अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रसोई में आज हम आपको बना के दिखाएंगे प्याज की पकौड़ी। ये देखिए, ये हमारी 300 ग्राम प्याज है। प्याज को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से काट लेना। अब इसमें डालेंगे हम मसाले, लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी मिर्ची, हरी रेड चिल्ली भी लेंगे, अजवाइन, जीरा पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा खाने का सोडा लेंगे। ये डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग और अजवाइन अच्छी रहती है डालना रेसिपी में, अजवाइन और हींग जरूर डाला करो। ये एक अंडा बाइंडिंग के लिए। अब डालेंगे इसमें बेसन। बेसन इसमें हम 3 चम्मच भर के डालेंगे। एक, दो, तीन। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम आपको फ्राई करके दिखाएंगे। देखिए बस इसमें बेसन हमें कम लग रहा था, इसलिए 1 चम्मच बेसन और लेंगे हम। ये हमारा 4 चम्मच बेसन हो गया है। अब ठीक है, देखिए हमने पहले से ही तेल चूल्हे पे चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे एक एक करके पकौड़ी। देखिए व्यूअर्स, इनको पलट देंगे। हमने व्यूअर्स सोडा इनमें इसलिए डाला है कि ठोस नहीं बनेंगी। व्यूअर्स ये हमारी पकौड़ी बनके तैयार हो गई है। अब इनको हम निकाल लेंगे। कितना प्यारा सा कलर आया है। और हम बाकी बची हुई भी पकौड़ियां इसमें बना लेंगे। ये हमारा फाइनल लुक, ये हो गई इफ्तार के लिए तैयार प्याज की पकौड़ी। आप भी हमारे तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। और हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना और बेल आइकन का बटन दबाना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बहुत सबसे पहले मिले। और मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।